मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में दिल्ली से आए 3 श्रद्धालुओं के साथ भस्म आरती, अनुमति के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। श्रद्धालुओं से 4500 रुपए लेकर ओरिजिनल अनुमति से कॉपी कर नकली अनुमति बनाकर थमा दी थी। दर्शनार्थी मंदिर पहुंचे तो बारकोड से नकली अनुमति की जानकारी सामने आई। मामले में श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद मंदिर समिति ने 2 लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। सीधी जिला प्रशासन की बड़ी चूक हुई। सीएम के पास खाना खाने बैठा लकड़ी चोरी का आरोपित निकला है। सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर भोजन करने वाला युवक लकड़ी चोरी करने के आरोप में जेल जा चुका है। युवक का नाम अरविंद गुप्ता, निवासी गौत्रा भदौरा है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को लाडली बहना सम्मेलन एवं भू अधिकार पत्र वितरण करने सीधी जिले के गौत्रा गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने पट्टा वितरण के बाद लोगों के साथ भोज भी किया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि बोलने से परहेज कर रहे हैं। जबलपुर से गोंदिया के लिए सोमवार को नई पैसेंजर यात्री गाड़ी का शुभारंभ किया गया। जबलपुर से गोंदिया के बीच पहली पैसेंजर ट्रेन को सांसद राकेश सिंह, विधायक अशोक रोहिणी समेत आला अधिकारियों ने हरी झंडी देकर जबलपुर से गोंदिया के लिए रवाना किया। इंदौर के बाईपास स्थित बने फिनिक्स मॉल के अंदर एक शोरूम में चोरी की वारदात सामने आई है। या शुरू में चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, तमाम सिक्योरिटी की सुविधा है, लेकिन फिर भी अज्ञात बदमाश शोरूम बंद होने के बाद में डुप्लीकेट चाबी का प्रयोग करते हुए शोरूम के अंदर से एक जोड़ी कपड़े, हजारों रुपए नकदी और अन्य सामान ले उड़ा। हालांकि घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। अब उस आधार पर पुलिस चोरी करने वाले चोर की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में निगम द्वारा गीला सूखा कचरा अलग करने की बात पर हुए विवाद के बाद निगम कर्मियों पर हवाई फायर कर रिवॉल्वर तानने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक व्यक्ति निगम कर्मी पर रिवॉल्वर तान कर धमका रहा है। वहीं पूरे मामले की शिकायत निगम कर्मी द्वारा राजेंद्र नगर थाने में की गई है, जहां डीसीपी आदित्य मिश्रा ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए जांच करने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।